अपनी शरारती अंदाज और मासूम अदाओं से फैंस को दीवाना बनाने वाली टीवी की बेहतरीन अदाकारा सौम्या सेठ कई सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं। सौम्या को आज तक उनके फैंस भूले नहीं हैं। अपने इस खास सेगमेंट जाने कहां गए वो लोग में आज हम सौम्या के बारे में बताएंगे कि वो टीवी इंडस्ट्री को छोड़कर आखिर इन दिनों क्या कर रही हैं। सौम्या ने अपने पहले ही टीवी शो से फैंस के बीच गहरी छाप छोड़ी थी। महज 5 साल के अपने टीवी करियर में सौम्या ने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था, लेकिन इसके बाद वो अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर विदेश में बस गईं। सौम्या अब सालों से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। साल 2011 में सौम्या ने नव्या नए धड़कन नए सवाल सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल में वो एक भोली भाली लड़की के रोल में नजर आईं। सीरियल में उनकी सादगी देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इस सीरियल के बाद सौम्या इतनी पॉपुलर हुई कि वो हर घर में नव्या के नाम से पहचानी जाने लगी। सौम्या ने अपने करियर के पीक पॉइंट पर आकर अचानक शादी करने का फैसला किया था, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। साल 2017 में अरुण कपूर के साथ उन्होंने अमेरिका में शादी कर ली। शादी के बाद वो पूरी तरह से विदेश में शिफ्ट हो गईं, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और वो अपने बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही अपने पति से अलग हो गईं। पति से अलग होने की जानकारी भी सौम्या ने सोशल मीडिया के जरिए दी और उन्होंने अपने पोस्ट में बताया था कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। सौम्या ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि प्रेगनेंसी के समय वो काफी टूट गई थीं और अकेला महसूस कर रही थीं। वो अपनी जिंदगी से इस कदर निराश थीं कि आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थीं। एक्ट्रेस के अनुसार वो प्रेग्नेंट थी, इसके बावजूद वो जानबूझकर भूखी रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी में आए तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने पति को डिवोर्स दिया। सौम्या सेठ ने नव्या के अलावा दिल की नजर से खूबसूरत, ये है आशिकी और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे कई शोज में भी काम किया है, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो नव्या के समय मिली थी। सौम्या के फैंस कई इंस्टाग्राम पेजेस हैंडल करते हैं जिसमें वो एक बार फिर से उन्हें नव्या के रूप में देखना चाहते हैं। सौम्या इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन वो अपनी और अपने बेटे की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चल रहा है कि इन दिनों वो रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हैं। लेकिन फिर भी सौम्या के फैंस के साथ साथ हम भी उन्हें एक बार फिर से छोटे पर्दे पर मुस्कान बिखेरते हुए देखना चाहते हैं। वेल, सौम्या के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।